किसान आंदोलन को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, यहाँ जो तमाम यूनियन है वो फैसला करेंगे। गुरनाम सिंह चंडूनी जो कि हरियाणा के किसानों की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से कहे हैं, सबसे प्रमुख चेहरा है गुरनाम सिंह चंडूनी साहब हमारे साथ हैं जी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आपकी खबर लगातार दिखाता रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि स्टेज बन चुका है, यहाँ तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं, आगे की तैयारियाँ क्या? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपके चैनल बहुत अच्छी हमारी खबरें जो है वो उठा रहा है, देश के जो मुद्दा है उसको प्रमुखता से ले रहा है, देश को बचाने के मुद्दे को प्रमुखता से ले रहा है, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। दूसरा ये है कि हम यहाँ अनिश्चितकाल के लिए बैठे हैं और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे। और हालांकि लोगों को तकलीफें आ रही हैं, कोई नहाने की, बाथरूम की, लाटने की कोई व्यवस्था सरकार ने यहाँ पे बिल्कुल नहीं की है और सफाई तक की व्यवस्था नहीं की है, और जो पूरा इलाका दोनों तरफ का है, जो रिहायशी है, फैक्ट्री है, उसकी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी नहीं किया। और क्योंकि सरकार की शायद मंशा ऐसे है कि जैसे जाट आंदोलन बदनाम हो गया था, बीच में कहीं से कोई गलत क्वालिटी का आदमी आ जाए, अब हमारा तो है नहीं, हमें क्या पता है, हमारे बीच में जेब कतरे होते हैं, जेब कतरे ले जाते हैं, दूसरी तरह के भी लोग होते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ करते हैं, जैसे जाट आंदोलन में कह दीजिए बलात्कार कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो सारा हमारे ऊपर मड़के आंदोलन को बदनाम करते हैं। एक तो ये हमें थोड़ा डर है यहाँ बैठे, तो सरकार को जो है यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, जो इलाका है जहाँ पाएगा उसमें करना चाहिए। आगे आप लोग की मीटिंग क्या, क्योंकि पंजाब की जो किसान यूनियन है वो भी है, आगे क्या रणनीति रहेगी? आज बैठक भी कोई होने वाली है? जी, बैठक पंजाब वाला की होने वाली है, छोटी छोटी। और जो हम खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि सरकार बात करना चाह रही है, लेकिन अथोराइज लेटर हमारे पास कोई अभी तक नहीं आया है, या सीधी बात कम से कम मेरे से तो नहीं हुई, किसी और से हुई तो पता नहीं, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मीटिंग करके अपना फैसला। बुराड़ी जाने को लेकर फैसला कब होगा, जाएंगे या नहीं जाएंगे? बुराड़ी जाने को लेकर फैसला जो जनता की भावना है वो ना जाने की, जनता की भावना ना जाने की। आपने पहले कहा था कि आप जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, वो उसी दिन की बात थी जिस दिन हम आए थे, अगर तो उसी दिन ये फाटक हटा दें, रास्ते में बैरिकेड ना लगाएं, तब तो हमें दिल्ली में ही जाना, तब तो यहाँ बैठने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन रास्ते में बैरिकेड लगाए, फुहारे मारे, बैरिकेड और डंपर खड़े किए, डंडे मारे, छोटी। अब नहीं जाएंगे बुराड़ी? अब इरादा नहीं है जाने। एक दो सवाल और बता दीजिए, ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई ये तो जो पूरा आंदोलन है पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसानों का रिप्रेजेंटेशन इसमें है नहीं, उन्होंने किसानों का धन्यवाद भी किया मुख्यमंत्री साहब ने। देखिए, ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है, केवल हरियाणा और पंजाब के नहीं, केवल पंजाब के नहीं। अब हरियाणा से कितना रिप्रेजेंटेशन मिला, कितने लोग आए? हजारों की संख्या में। आप देखिए, अब क्षेत्र का 8 किलोमीटर फैलवाई है और हमारी एक जगह ट्रांसिया नहीं हुई, और आधे लोग रोहतक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और अब हरियाणा का किसान और चल पड़ा, अब हरियाणा का हजूम देखना कितना पहुंच। एक आखिरी सवाल चंडूरी साहब, कितने जो केसेस वगैरह दर्ज हुए गए, जो लड़का फोटा एक पोस्टर भाई बन गया, कि जो वाटर कैनन का बंद करके छूटा उस पर केस हुआ, रोहतक में केस हुए, बाकी जगह केस हुए, किसानों पर केस भी दर्ज किए गए हैं इस पूरे आंदोलन में? अंबाले से लेके जो हमने यहाँ तक बैरियर तोड़े हैं उन सब में हमारे ऊपर 307 के मुकदमे दर्ज किए हैं, इरादा कत्ल के। हालांकि बैरियर तोड़ना तो कोई कत्ल नहीं होता, इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज किए, और उसके पहले 22 मुकदमे एक दिन 307 के दर्ज किए हैं, और एक मुकदमा इन्होंने हत्या का दर्ज किया है, एक मुकदमा उसके बाद और 307 का दर्ज किया है, 4-5 मुकदमे, कुल मिला के 30-32 मुकदमे ये दर्ज कर चुके हैं इसी आंदोलन के दौरान, और बड़ी गंभीर धाराओं में हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम आपके सारे मुकदमे भी झेल लेंगे, आप किसानों की बात मान लीजिए। आगे कोऑर्डिनेशन कैसा बना रहेगा, पंजाब की किसान यूनियन है, हरियाणा से आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, और अब उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग चलने लगे हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लीडरलेस हो जाए ये पूरा, और कोई बात करने के लिए सरकार न्योता भी दे तो कोई जाने को तैयार ना हो, ऐसा तो नहीं होगा कि एक मॉब बन जाए, लीडरलेस हो जाए? देखिए, प्रयास तो कर रहे हैं उस चीज से बचा जाए, परमात्मा से दुआ कर रहे हैं, उसकी मर्जी है, वो मालिक ठीक करेगा। लेकिन जब कई स्टेटों के, कई भाषाओं के, कई संगठनों के जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ये प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का उनका निकाल रहे हैं कि उनका कहीं आज के लिए नया संदेश, ताज़ा संदेश क्या है, क्या नीति रणनीति आप बताना चाहते हैं?
हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि मेजर बात तो वही है कि जब जितने ज़्यादा इकट्ठे होते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी बात वहाँ जाती है। सरकार शायद ये देख रही है कि परसों भी बात के लिए बुला सकते थे, शायद लेट इसलिए कर रहे हैं कि इनकी संख्या कम होती है या बढ़ती है। अगर संख्या कम होती है तो बात में ढील देंगे, थोड़ी बात मानेंगे, इतनी बड़ी माननी होगी तो इतनी बड़ी मानेंगे बिल्कुल। और अगर हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो जहाँ हम इतनी बड़ी मनवाने की बात करते हैं वो इतनी बड़ी भी मानेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरनाम सिंह चंडूनी से बहुत लोग आ रहे हैं।